सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है तुहाडा। आज ना मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, ध्यान लगाना किसको कहते हैं। 44 ईयर इस धरती पर जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, अगर भगवान को ढूंढना है किसी अपने जैसे इंसान में ढूंढो, धार्मिक स्थानों पर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सच बोलता हूं, मैंने 44 ईयर का एक्सपीरियंस समझा कर रहा हूं। भगवान को ढूंढना है तो किसी अपने जैसे इंसान में या कुदरती कोई जीती जागती जो भी है उसमें महसूस करो। तो ध्यान लगाना क्या होता है? देखो, खुशी के वक्त तो हर कोई 7वें आसमान पे ही मिलता है कि ना। तो जब मुश्किल घड़ी होती है, कष्ट होता है, जब दर्द होता है, जिसने उसके साथ डील करना सीख लिया, उन पलों को अच्छे से बिताना सीख लिया, उसने जिंदगी की सारी कलाएं जो है वो सीख ली, तो ये तो तय है। खुशी के वक्त तो वैसे इंसान खुश ही रहता है, उसका तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कभी जिंदगी में कष्ट हो, उदासी हो, दर्द हो, उस वक्त ध्यान लगाना क्या होता है कि जो भी दिमाग में विचार चल रहे हैं वो कष्ट देते हैं, उनको रोक देना है किसी एक स्थान पर, एक बिंदु पर, एक तस्वीर पर, एक इंसान पर, या कोई भी किसी एक चीज पर। जिंदगी का कोई भी दुख, कष्ट, दर्द इतना बड़ा नहीं होता जितना दिमाग में चल रहे जो थॉट्स हैं वो उसे बनाते हैं। तो मैं अपने बारे में बता सकता हूं, जब मैं ऐसा महसूस करता हूं तो मैं किसी दोस्त की तस्वीर पर ध्यान लगाता हूं, उसको याद करता हूं। और जैसे मैंने डॉक्टर सुरजीत पात्र से सीखा है, हम हाल देवता का मतलब भी यही है, जो बिल्कुल हमारी तरह हमारे दर्द को महसूस कर सके। तो जब मैं ध्यान लगाता हूं, दुनिया की सारी बातें, दुनिया के सारे झमेले दिमाग से निकल जाते हैं, बस एक जगह रुक जाता है, एक ही याद में, एक ही तस्वीर में, फिर कष्ट बिल्कुल शांत हो जाता है। मुझे किसी ने 99 की बात है ये, मैंने आज भी याद रखा हुआ है उस दोस्त को भी। वो दोस्त वो है जिससे काफी कुछ सीखा है मैंने, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। अब भी मिला तो नहीं कभी, तो उसके बाद भी जितने दोस्त मिले हैं उनका स्थान है मेरे दिल में। लोग हमेशा कहते रहे अमरीक सोशल नहीं है, इसका कारण बताऊं, मैं जब भी जुड़ता हूं इतने डीप लेवल पर जुड़ता हूं कि उसके बाद वो इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए मैं ज्यादा इंसानों से नहीं जुड़ता, पर जितनों से जुड़ता हूं वो हमेशा के लिए दिल में रहते हैं। तो उसने भी यही बताया था कि जीने के लिए इतना काफी होता है कि इस पूरे प्लेनेट पर भी अगर एक इंसान मिल जाए ना, सिर्फ एक इंसान मिल जाए जो आपको समझता है, आपके दर्द को महसूस करता है, बहुत होता है जीने के लिए।